के 323वां स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर पटना सिटी के गुरु के बाग गुरुद्वारे से सिख श्रद्धालुओं द्वारा भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारे की अगुवाई में निकाला गया नगर कीर्तन कई इलाकों से नगर भ्रमण करता हुआ देर शाम तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारा पहुंचा। इस नगर कीर्तन में देश के कोने कोने से आए हजारों की संख्या में आए सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हाथी घोड़ा समेत गाजे बाजे के साथ निकाले गए नगर कीर्तन की भव्यता देखते ही बन रही थी। इस नगर कीर्तन में कई जाबाजों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। आगे आगे पांच प्यारे, पीछे सिख श्रद्धालुओं का जत्था मंगल पाठ करता हुआ नजर आया। गौरतलब है कि कल तख्त श्री हरमंदिर के विशेष दीवान में वैशाखी पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही वैशाखी के मौके पर सिटी स्कूल के प्रांगण में गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पिंकी सिंह के साथ न्यूज क्राइम 24 टीम की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। आज गोबिंद सिंह महाराज जी का महान पवित्र लागी है, जो उन्होंने 1699 ईस्वी को बैसाखी वाले आज के दिन श्री आनंदपुर साहब में खालसा पंथ का साधना किया। पांच प्यारों के पहले उन्होंने शीश प्राप्त किए और फिर उनको जीवित करके जो पहले 9 गुरुओं तक और के 10वें गुरु तक चरणामृत की व्रता थी, उसको उन्होंने अमृत खंडे के अमृत में परिवर्तित किया, जिससे खालसा इस धरती पर पैदा हुआ। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे खालसा परमात्म की मौत, जिसने अपने देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए हजारों कुर्बानियाँ, अनगिनत, सीमा नहीं, गिनती नहीं। तो आज 323वां खालसा साजना दिवस बैसाखी पर्व तख्त श्री हरमंदिर जी पर पटना साहिब के समूह प्रबंधक गणों ने एवं उन सब ने मिलकर इसका आयोजन किया है। इसे परसों रोज से गुरुद्वारा गुरु के बाद में अखंड पाठ गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रारंभ थे, जिनकी आज शुभ समापनता हुई है। और उसके बाद में दीवान सजे और अभी थोड़ी देर में नगर कीर्तन की रवानगी होगी, जो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब जाकर लगभग 7:15 बजे समाप्त होगी। इस अवसर पर मैं सारी मानवता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सृजित सुसज्जित खालसा पंथ में जैसे आज तक मानवता के लिए सेवाएं अर्पण की हैं, तन मन धन अर्पण किया है, आने वाले युगों तक भी ये सिलसिला जारी रहेगा और मानवता की सेवा जारी है। धन्यवाद।